आज मौसम बड़ा खराब है। चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं पहाड़ी अजय स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज ना ठंड बहुत है और मैं सुबह से आज चूल्हे पर ही बैठा हूँ। अभी निकला हूँ, सुबह 7 बजे से चूल्हे पर बैठा था। 9:30 हो गया है, बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतनी ठंड है बाहर। तो धूप का तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज धूप आएगी। तो आज मैं चल रहा हूँ पहले अपने सगोड़े में। तो क्या क्या हो रहा है हमारे सगोड़े में? तो आज वहाँ पे मम्मी लोग भी और मेरी वाइफ लोग जा रखे हैं, तो क्या लगा रहे हैं अपने सगोड़े में, तो आप लोगों के बीच में वो दिखाएंगे। मुर्गे भी लगे हुए हैं, उनको भी ठंड लग रही होगी शायद, है ना। जय मन कामेश्वर, मनना माई की जय। तो जैसे ही सगोड़े में आया, वहाँ पे बहुत अच्छी एक सब्जी हो रही है जिसको हम पालक बोलते हैं, और इसकी जो साग होता है बहुत ही क्या होता है, दिखाता हूँ मैं अपनी जो पालक की जो बगीचा है किस प्रकार का है, तो दिखाता हूँ। अपने सगोड़े में आ गया हूँ और आज हम लगा रहे हैं प्याज की डालियाँ। तो प्याज का भाव आप लोगों को पता ही होगा कितना हाई होता जा रहा है, हमेशा 10-5 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो प्याज लगाना, क्योंकि हमारे बगीचे या जो हमारे सगोड़े हैं बहुत सारे हैं, तो ये खाली भी क्या छोड़ना है, इनमें प्याज लगा देते हैं। देखते हैं कितना होता है, मेहनत तो कर लेते हैं, तो देखते हैं अगर हो जाएगा तो अच्छा, तो बढ़िया है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि आज हम प्याज की डालियाँ लगा रहे हैं। कुछ हमने पहले लगा दिए थे, कुछ आज लगा रहे हैं, माँ और मेरी वाइफ लगा रहे हैं। तो दिखाता हूँ मैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। काम है प्याज में पानी डालना, तो डालता हूँ फिर पानी। प्याज लगा दिया है, कुछ प्याज लगा दिया, कुछ अब मैं जाऊँगा मार्केट तो वहाँ से लेके आऊँगा, परंतु उस प्याज के लिए काफ़ी इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें हम अब ऊपर से डालेंगे जो गोबर की जो खाद है उसको डालते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह अच्छी प्याज हो जाता है। बोलते हैं लोग कि खाद जो गोबर की खाद होती है, तो उसको डाल के, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये वाली क्यारियाँ जो है कंप्लीट हो गई है, इसमें हमने ऊपर से जो खाद है, जो गोबर की जो खाद बनती है, उसको भी डाल दिया है, देख रहे होंगे। फिर ऊपर से उसमें पानी डाल दिया है, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से लग रही हैं हमारी प्याज की डालियाँ और हमारा जो सगोड़ा है। सगोड़ा कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे सगोड़े में जाना है। थोड़ा बहुत प्याज की डालियाँ बची हुई हैं, तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई हैं, अब दूसरे जो सगोड़ा है उसमें चलते हैं, तो उसमें देखते हैं कितने लगती हैं, कितनी बची हुई हैं। सगोड़े में चलता हूँ, वहाँ पर भी क्या चाहिए, जो गोबर की जो खाद है, तो मैंने ऊपर से ले ली है अपने मोलखने में। दिखाता हूँ जो कंडी होती है, किसमें हम गोबर लेके जाते हैं खेतों में या अभी जो ले जा रहे हैं। तो ये है खाद, जो गोबर की जो खाद बनती है, तो ये पड़ेगा प्याज में। अब इसको लेके चलता हूँ मैं दूसरे सगोड़े में। मोलखनों को पीठी पे लगा दिया है, अपनी लैंग्वेज में मोलखनों बोलते हैं और इसको हम कंडी भी बोल सकते हैं। तो इसको ले चलता हूँ अब अपने दूसरे सगोड़े पे। आप जो आप देख रहे हैं, तो ये है अखरोट का पेड़। ये बहुत पुराना पेड़ है, पहले इस पे बहुत सारे अखरोट होते थे, अब इसका टाइम आ गया है, ये अब इस पे अखरोट नहीं होते हैं, ये सूख गया है। और एक दो जो अपने लैंग्वेज में फूटा बोलते हैं, तो वो हरे हरे लग रहे हैं, तो पता नहीं अब होते ही नहीं इस पे अखरोट, तो ख़राब हो गया ये शायद, तो टाइम भी बहुत हो गया है। दिखाता हूँ इस अखरोट का जो पेड़ है।
हमारा दूसरा सगोड़ा और यहाँ पे अब डालियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। ये में ख़त्म हुई ना? अच्छा, ये में और भी लाना आपके खिटा दो का खिला इधर। पालक हो रहा है और यहाँ हमने इसको पूरा बंद कर रखा है साड़ी वगैरह से। ये तो हमेशा ही करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे साग सब्जी नहीं होती है। अगर यहाँ पे ये खुला रहेगा तो यहाँ पे कुत्ते वगैरह आ जाते हैं। नीचे बंदर देख रहे होंगे आप, ये भाग रहे हैं अभी, ये कुत्ते भागे पीछे से। ये दूसरा कुत्ता भाग गया। तो घर में ना रहो तो पूरा नुकसान कर देते हैं अपने सगोड़े के। तो अभी कुत्तों ने भगा दिया बंदरों को। हल्की सी धूप आ गई है और मैं अब मेरा काम है जो गाय है उसको बाहर निकालना है। थोड़ा हल्की धूप है तो निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि अंदर भी क्या करेगी दिन भर, तो बाहर धूप पे निकाल देते हैं गाय को। तो दिखाता हूँ वो कौन सी गाय है। दो बैल आपने देखे हमारे, एक उसके साथ छोटा जो छोटा बैल है वो भी देखा होगा, जिसको मैं काजल काजल बोल रहा था ना, तो उसकी जो माँ है तो वो यहाँ रहती है हमारे घर में, वो देती है दूध, तो वो हमने यहाँ रखी हुई है। तो वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो जो यहाँ पे जो गाय है उसी का एक बछड़ा हो रखा है, तो उसको दोनों को यहीं रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा सगोड़ा है उसके बगल पे धूप आ गई है, वहाँ पे मैं उसको बाहर निकालता हूँ। साढ़े बारह हो गया है, दिन का लंच भी हो गया है। आज मैंने आप लोगों के बीच में शेयर नहीं किया कि हमने क्या बनाया है, तो मैं बता देता हूँ। आज हमने नॉर्मल जो दुकान की दाल और अरहर मल का जो है और चावल और हरी सब्जी खाई है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारी ग्राम सभा कुंडजेठी में आजकल दो कूड़ेदान मिले हैं, जो जैविक और अजैविक। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये जो डस्टबिन है ये किस काम के लिए हैं, दे रखे हैं, तो बताता हूँ मैं। जैसे आप लोगों को तो पता है जैविक अजैविक क्या होता है। जैविक जैसे आपका जो खाना बचा हुआ है उसको आप जैविक में डाल सकते हैं, या आपके जो घर में सब्जी लाते हैं उसका कुछ भाग फेंक देते हैं जो ख़राब रहता है उसको जैविक में डाल देते हैं, चाय पत्ती है घर में उसको जैविक में डाल देते हैं। और अजैविक क्या होता है, जैसे प्लास्टिक पेपर कांच लोहा, तो उसको हम अजैविक में डाल देते हैं। तो यही है, मैं अभी अपने ऊपर वाले जो छत में आ रखा हूँ, नीचे से साफ नहीं आ रहा था क्लियरिटी, क्योंकि शाम का 5 बज गया है, नीचे थोड़ा अंधेरा आ जाता है। अभी मैं ऊपर टॉप वाले छत में आ रखा हूँ। तो आज का मौसम ठंडा ही रहा है दिन भर, क्या जो दिनचर्या रही है। सुबह आपने देखा होगा पहले अपने सगोड़े में गया, फिर उसके बाद घर आया, खाना खुना खाया, तो ऐसे ही रहा आज की दिनचर्या। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।